नमस्कार, एक बार फिर से देखते रहिए इस वीडियो को। आज बहुत छोटी सी वीडियो है ये, जो कि मुझे आज बनानी है। ये जल्दी जल्दी अगर बात करूं तो ये वीडियो है इस बारे में जिसमें कि आपको जो नए लड़के यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के लिए है ये वाली वीडियो, जो समझ लो कि अपने सेल्फ डिसीजन लेते हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है हर चीज में, और अभी अनमेरिड है स्पेशली जो है, और वो किसी भी तरीके से अपने किसी भी डिसीजन को किसी और का इंटरवेंशन नहीं चाहते उसमें, और अपने डिसीजंस को बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। तो आती है बात मैरिज को लेके। पहले के टाइम पे कुछ ऐसा था, यानी मैं जो है इस मैरिज के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस नहीं, मैरिज करने के लिए जो टाइप है उसको कुछ थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगा। अब देखो, अगर आप मेरे डैडी के टाइम की बात करो तो उस टाइम में जो है जो भी जिसकी भी शादी होनी है, लड़के की शादी होनी है, तो पेरेंट्स ही फैसला लेते थे, जो पेरेंट्स ने लड़का लड़की दोनों के केस में। मेरा टाइम तक आते हुए इसमें थोड़े से चेंज आए, जबकि मैं कहूँगा कि जब ये इंटरनेट आया तो थोड़ा सा लोगों ने, जब क्योंकि कम्युनिकेशन लोगों से ज्यादा लोगों का बढ़ा, देखो जैसा इंटरेक्शन अलग अलग लोगों से होगा तो इस चीज की भी गुंजाइश और इस बात में भी इम्पोर्टेंस निकल आएगी, तो यही कुछ ऐसा हुआ। तो अब ज्यादा लोग लेते हैं ये वाला फैसला। अब यंगस्टर्स कहेंगे वो सही है, जैसे मैं उस एज में था तब मुझे भी वो ज्यादा लगता था लव मैरिज, मैं बिल्कुल मैं ज्यादा उसके फेवर में रहता था। मेरे अपने वैसे ही जैसे आपके यंगस्टर्स के अपने रीजंस होंगे कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ है, हम उसको कैसे भी मैनेज करें और हम संभाल लेंगे, हमारे लिए वो फैसले गलत नहीं है, पेरेंट्स को पता नहीं है, ओल्ड फैशन हो गए इस तरीके से। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि भाई वो चाहते हैं कि फैन डिसीजन वो लें अपनी जगह, वो भी सही है। जब दोनों ही सही है तो सही कौन है? इस बारे में मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए, हम दोनों डायरेक्शनों को सही मायने में भूल ही गए हैं, सही तरीके से हम सही ऐसी सिचुएशन में नहीं खड़े हुए, या देख जहां से हम देख रहे हैं या जहां से हम अपने इस विचार को आगे मजबूती दे रहे हैं, वहां से थोड़ा सा मैं कुछ और इस बारे में कहना चाहूंगा कि उस पर एक बार दोबारा से देख सकते हैं कि इस विचार को लेके। तो देखिए, पेरेंट्स के पास ज्यादा होता है तजुर्बा, यंगस्टर के पास ज्यादा होता है कॉन्फिडेंस। अब जिसको अपविश्वास भी होता है, विश्वास है, और जब उसको विश्वास सच्चाई पे लिया गया होता है तो उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। पेरेंट्सों से ये भी ऐसा पिछले समय में रहा है कि जहां पे विश्वास और सच्चाई की जो मैंने भी बात करी यंगस्टर्स के द्वारा, वहां पर पेरेंट्सों में कब देखा भी गया है कि विश्वास और सच्चाई, यानी तजुर्बा विश्वास की जगह पर उनका और सच्चाई की जगह पर उनके लिए जो है आपसी म्यूचुअल, उनके म्यूचुअल सिचुएशंस को भी देखा गया है, यानी कि फाइनेंशियली कह लो, आने वाली इकोनॉमिकली कह लो, इन सिचुएशनों को भी पेरेंट्सों के नज़रिए से देखा गया। कहीं कहीं पर इन सब चीज़ों के अंदर थोड़े बहुत ऐसा बदलाव देखा गया है जहां पर ये वाली बात पेरेंट्सों के जरिए रही गई हो, जिसको कि बच्चों के फेवर में ना रही इन रीजंस की वजह से, तो जो लड़का लड़की है उनके ये रीजंस कम होते हैं। तो देखिए, दोनों बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो अभाव आता है यंगस्टर्स के एंड से, एक अभाव आता है कि एक्सपीरियंस का तो अभाव है ही, हम बात करते हैं एक फ्यूचर में होने वाली जीवन की प्रिडिक्शन की, जिसका हम फैसला लेते हैं आज। अब देखिए, इसमें अगर दोनों ही पक्षों में कहूँ, सच्चाई से अगर दोनों ही पक्ष चलते हैं तो जो सच्चाई से और मजबूती से, मजबूती क्या, फैमिली की मजबूती वो फर्स्ट है, तो इसमें फैमिली के जो आदर्श हैं, देखिए समाज सोसाइटी का बहुत इसको लेके चेहरा जो है
आने वाले इन सब चीजों के डायरेक्शन से, यानी जो हम लोग हमारी जनरेशन ने जो कदम रखे हैं उससे जो भी कुछ चेंज हुए हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े होंगे दुनिया बदल देंगे, देखो एक चीज का ध्यान रखना, दुनिया तो बदलेगी लेकिन वो जब आप चेंजेस करोगे तब नहीं बदलेगी, वो उसके बाद जाके बदलेगी, उसके बाद की जनरेशन में। तो जो हमारे ने जो भी कुछ हमने किया वो नई जनरेशन में थोड़ा उसका इम्पैक्ट रहेगा, उससे और नई जनरेशन आएगी वो और आगे की चीजें देखेगी। तो यहाँ पे ये चीज मैटर ज्यादा रखती है कि जहां पे समाज में जीवन साथ साथ हमारे आध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ये सब चीजों का भी जीवन में वैल्यू जो है रखना ही जरूरी है। तो पेरेंट्स की बात माने शॉर्टकट के अंदर, और ये ज्यादा बेटर है, और डिस्कस करें समय नहीं। एक अभी भी ना एक रिसेंट इंसिडेंट हो गया, एक हमारा फ्रेंड था, मेरी शादी को हो गया अभी पांच साल शुरू हो गया, मेरी शादी का जब पहला साल था तो वो मेरा वो फ्रेंड जो था लव मैरिज कर रहा था किसी लड़की से, वो किसी कॉर्पोरेट में दोनों जॉब करते हैं। अब उनके आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग मुझे जब पता लगा उससे भी कम से कम लगभग उनकी 7-8 साल पहले से ये थी, और दोनों अपने पेरेंट्स को राजी करना चाह रहे थे अलग कास्ट होने की वजह से, दोनों हिंदू थे, मैरिज हो नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों ने पेशेंस रखे, दोनों साइड से देखो ताली तो दोनों हाथ बजते, दोनों ने पेशेंस रखे, और इनफैक्ट कि कपड़े भी सिलवा लिए गए थे, मतलब मैंने खुद उनकी शॉपिंग कर रही है लड़के की और लड़की की, लड़की का लहंगा ये वो लव मैरिज के लिए भी। तो उसमें धीरे धीरे समय लगा, शायद मैरिज की डेट भी फिक्स हुई है 2 बार, फाइनली जाके अब जो है उनके पेरेंट्स एग्री कर गए हैं, 4 साल का टाइम लगा, यानी उनके 6-7 साल उनके खुद को एक दूसरे में जान पहचानने के और फिर पेरेंट्स के बाद। तो देखो ये जो ये ज्यादा बढ़िया होता है दोनों के लिए, देखो तजुर्बा जब तक कम नहीं है तो फ्यूचर इतना अच्छा प्रेडिक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, नई जनरेशन के जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं और इस तरीके के फैसले लेना चाहते हैं, और अगर फिर भी अगर उन्हें लगता है कुछ मेरी बातें उनके लिए अगर फ्रूटफुल रही तो मुझसे कर सकते हैं बात, तो मैं उनको अपने एंड से पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी हाउ इट गोस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर कुछ नई वीडियो के साथ अपडेट लेके बनाता हूँ, फिर देखते हैं क्या आगे क्या होता है। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।